बस पता नहीं क्या हुआ भाई, पैसा खिलाया गया या क्या हुआ, मेरे को निकलवा दिया यार गया। स्वागत है तुम्हारा आज की एक और नई वीडियो में। तो यार ये वीडियो में तुम्हारे लिए रात के 2 बजे जाकर शूट कर रहा हूँ यार, इसलिए वीडियो को पहले ही लाइक कर दो। तो कल लक्ष्य चौधरी के चैनल पर पुनीत सुपरस्टार का एक पॉडकास्ट आउट हुआ, जिसमें भाई वो बिग बॉस के ऊपर काफी सारे एलिगेशन लगाए, काफी बड़ी क्लिप है, इसलिए भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं जब अंदर घर के अंदर घुसा था, जो कांड में कर रहा था वहां पे, जो चीजें मैं कर रहा था, जो घर के अंदर जो बंदे थे, मुझे मैं उनको इससे पहले कभी नहीं जानता, पता नहीं कौन थे, कहां से बुलाए थे उन्होंने, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने जब वो मेरे घर के अंदर थे तो खुश वो भी हो रहे थे मेरी चीजें देखकर, खुश वो भी हो रहे थे पागल बंदी देखकर और हंस वो भी रहे थे। लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये डर था कि अगर ये पुनीत कुमार ये सब चीजें करता रहेगा तो ये बाजी ये ले जाएगा और इस सीजन का विनर, बिग बॉस OTT2 का विनर ये बन जाएगा। बस पता नहीं क्या हुआ भाई, पैसा खिलाया गया या क्या हुआ, मेरे को निकलवा दिया गया, तो भाई मैं निकल गया। मतलब क्या रीजन लगता है कि सबसे ज्यादा कौन सी बात ऐसी ट्रिगर कर गई कि तुम्हें निकाल दिया फिर वहां से? भाई मैंने आपको बताया ना कि भाई उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ जो मैं 24 घंटे तक चिल्ला रहा था ना, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग सिर्फ खा रहे थे और रख रहे थे। मैं तुम्हें बताऊं, खा रहे थे और रख रहे थे, और तुमने देखा होगा मैं 24 घंटे में खाना नहीं खा रहा था एक भी, और मैं चिकन वगैरह भी मैं कुछ नहीं खाता, सिर्फ वो लोग पानी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, काला पानी पी रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं खा रहा था। और ना वो कॉमेडी कर रहे हैं, ना उनसे बोला जा रहा, वो तो सिर्फ क्या है, अय्याशी कर रहे हैं, लड़कियों के साथ बात कर रहे हैं, बैठे हुए हैं ऐसे, मतलब फालतू की चीजें कर रहे हैं। मैं वहां ओरिजिनल कॉमेडी कर रहा था, चिल्ला रहा था, क्योंकि मैं लोंडिया वगैरह से दूर रहता हूं। मैं तुम्हें सही बताऊं तो मेरा वो काम नहीं है, मैं कहीं पर भी जाता हूं, तो मैं अपना काम कर रहा था। अब एंड में भाई वही वाली बात हो गई कि जब उन्होंने देख लिया कि भाई इस बंदे से तो कोई जीत नहीं सकता, जो चीज ये कर रहा है वो चीज हम कर नहीं सकते, ताकत है नहीं उनमें, मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं बिग बॉस चिल्ला रहा हूँ पूरे सेट में, मैं शोर मचा रहा हूँ, हल्ला मचा रहा हूँ, तो भाई उनको ये लग गया कि भाई इस बंदे से नहीं जीत सकते, इसको निकलवाना पड़ेगा, वरना पूरी की पूरी TRP ले जा रहा है। और बाकी तो सब तुम्हें बताइए, बाकी तो सारे खस्सी थे ही अंदर बैठे हुए जितने। तो भाई अंदर फिर क्या हुआ, अंदर कॉल की गई किसी को, या किसी ने सोर्स लगवाई, या पैसे का सहारा लिया, मतलब जो भी हुआ उन्होंने पुनीत सुपरस्टार को निकलवाने की कोशिश करी और निकलवा दिया। इस बात में कितनी सच्चाई है या फिर ये बात झूठ है, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और अगर आपको ये पूरी वीडियो देखनी है भाई तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।